आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला ऑफ सॉल्वेंसी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू dish.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज को, जिसका आज हम टॉपिक भी कंटिन्यू करने वाले हैं, सॉल्वेंसी रेशियो वाला। ओके, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब टोटल एसेट टू डेट रेशियो होता क्या है, हम इसमें रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द फर्म। ठीक है, जितने भी आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, टोटल एसेट टू डेट रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट्स ओवर डेट। डेट मींस लॉन्ग टर्म डेट। ओके, इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज ही आएंगी, आपकी करंट लायबिलिटीज नहीं आती। ओके, तो ये भी हमारा प्योर रेशियो में ही निकल कर आता है रिजल्ट, जैसे 1:1, 2:1, 1:2, जो भी, ठीक है, प्योर रेशियो में लिखा जाएगा इसका रिजल्ट। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। अब आपके टोटल एसेट क्या क्या इंक्लूड करते हैं, टोटल एसेट्स में आपके सभी एसेट्स इंक्लूड करते हैं, जैसे कि नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा आपके पास फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल एसेट प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेज। और करंट एसेट में आपके पास आ जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इंक्लूडिंग स्पेयर्स पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स एंड शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज प्लस अदर करंट एसेट्स। मीन्स सारे के सारे जो बैलेंस शीट में एसेट्स है वो सारे यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, और डेट में आपका इंक्लूड होगा जो भी लॉन्ग टर्म आपकी बॉर्विंग्स है और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। लॉन्ग टर्म बॉर्विंग आएगा आपका लॉन्ग टर्म बैंक लोन, लॉन्ग टर्म कोई इंस्टीट्यूशनल लोन हो सकता है, ठीक है, फिर डिवेंचर्स हैं आपके, बॉन्ड्स हैं, ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म लोन है फर्म के। ओके, अकॉर्डिंग टू CBSE गाइडलाइन जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है डेफर टैक्स एसेट्स का नेट, जो अपने एसेट साइड होता है ना उसको, और अदर नॉन करंट एसेट्स, जो भी नॉन करंट एसेट्स अदर में आते हैं वो, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर नॉट एवेल्युएटेड। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं किया जाता डेट में। डेट में सिर्फ दो आइटम लेते हैं बैलेंस शीट में, और टोटल एसेट्स हम सारा कुछ ले लेते हैं, जस्ट अदर नॉन करंट एसेट्स छोड़ते हैं और डेफर टैक्स एसेट छोड़ते हैं जो नेट निकल के आता है हमारे पास। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बहुत ही जरूरी बताना चाहता हूं कि अब हम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल हैं। दोनों ही ऐप्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आप चेकआउट कीजिए, वहां पर हमने जो फ्री में स्टडी मटेरियल डाला हुआ है वो आप चेक कर सकते हो, और उसके बाद हमने वहां पर PDF सॉल्यूशन भी डाले हुए हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आपको बुक्स के मिल जाएंगे इन PDF फॉर्मेट। ओके, और आने वाले कोर्सेज जो हम ट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन सबके लिए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जो भी प्लस वन के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो प्लस टू के कोर्सेज सब्सक्राइब कर लीजिए, आ रहे हैं बहुत ही जल्दी, ठीक है। टोटल एसेट टू डेट रेशियो मेनली एस्टेब्लिश क्या करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म डेट ऑफ द एंटरप्राइजेस। सो इससे क्या होता है, एक सेफ्टी मार्जिन पता चल जाता है लेंडर को अपने लॉन्ग टर्म डेट के अगेंस्ट, कि कितना पैसा कंपनी के पास है मेरी पेमेंट करने के लिए, ठीक है, लेंडर को पता चलता है ऐसे। ओके, अब सेफ्टी मार्जिन कैसे पता चलता है लेंडर को, अगर हाई रेशियो हो तो जितनी रेशियो हाई है उतने वो सेफ है उनके पैसे, जितनी रेशियो लो आएगी उतने ही पैसे उनके अनसेफ होंगे, ठीक है। चलिए अब फटाफट से एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं, थोड़ी सी इलस्ट्रेशन बड़ी वाली करते हैं जिसके साथ आपको टॉपिक अच्छे से समझ लग जाए। हमारे पास TS गरेवाल की बुक में से इलस्ट्रेशन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट टू डेट रेशियो। आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह कितनी ही आइटम्स है, जो सारी की सारी लिख लीजिए, वन बाय वन हम इसमें से जो आइटम हमें चाहिए उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ओके,
तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए फॉर्मूला लिखते हैं अपना, टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट ओवर डेट। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हमें क्या चाहिए, टोटल एसेट्स चाहिए और कंपनी के डेट चाहिए। तो इसके लिए हम वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे टोटल एसेट। टोटल एसेट्स हमारे कैलकुलेट होंगे नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट्स। तो अब हमें नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तभी हम टोटल एसेट कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो नॉन करंट एसेट्स में आपके सारे ही एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स उसमें आप करोगे फिक्स एसेट्स, ग्रॉस जितने भी हैं वो आपको दिए हुए हैं, थर्ड आइटम उसके पास आपको दी हुई है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, एकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन लगती है ना, उसको माइनस कर दीजिए। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी आपका एसेट्स है, इसको भी ऐड कर लीजिए। ट्रेड रिसीवेबल आपका करंट एसेट्स है, इसको करंट एसेट में ऐड करेंगे। और आपके पास कोई भी एसेट्स नहीं है जो लॉन्ग टर्म हो, ठीक है, नॉन करंट जिसको हम बोलते हैं। तो जो तीनों को ऐड कर लीजिए, फिक्स एसेट्स हमारे पास 15 लाख, उसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए अपनी डेप्रिसिएशन वो है 2 लाख, प्लस कर दीजिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वो है 7 लाख। तो टोटल हमारे नॉन करंट एसेट्स आ गए 20 लाख। ऐसे ही हम करंट एसेट कैलकुलेट कर लेंगे। करंट एसेट में हमारे पास ये है एक ट्रेड रिसीवेबल जहां पर, और उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दो ही आइटम है, दोनों को ऐड कर दीजिए। करंट एसेट इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ट्रेड रिसीवेबल है हमारे पास 2,50,000 प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे पास 1,50,000। तो दोनों ऐड किए तो हमारे पास टोटल आ गया 4 लाख। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे हमारे टोटल एसेट। टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। नॉन करंट एसेट है हमारे 20 लाख और करंट एसेट है हमारे 4 लाख। तो टोटल एसेट हमारे आ गए 24 लाख। अब टोटल एसेट तो हमारे कैलकुलेट हो गए, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे डेट, ठीक है। अब डेट भी आपके पास दिया नहीं है एग्जैक्टली कि कितना है, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है, करंट लायबिलिटीज दी हुई हैं, डिवेंचर्स दिए हैं, कैपिटल रिजर्व सरप्लस ये सारा कुछ दिया है। तो आपने अब क्या करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड से शेयर होल्डर फंड को आप सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट निकल के आ जाएंगे। ओके, सो लॉन्ग टर्म डेट्स आपका हो गया फॉर्मूला। जो बन जाएगा जैसे फॉर्मूला है ना हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट का क्या बन गया, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस शेयर होल्डर फंड्स। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है, शेयर होल्डर फंड्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। शेयर होल्डर फंड्स में सब कुछ इंक्लूडेड होता है, जैसे जो भी शेयर कैपिटल है और रिजर्व सरप्लस जितने भी हैं वो सारे इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस कैपिटल रिजर्व माइनस सरप्लस जो भी हमारा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है इसलिए, ठीक है। तो हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,50,000 प्लस कर दीजिए उसमें कैपिटल रिजर्व 2,40,000, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 30,000 हमारा डेबिट बैलेंस है सरप्लस का। तो नेट आपका शेयर होल्डर फंड्स निकल के आ गया 12,60,000। तो इस हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है 22,20,000। तो लिखिए 22,20,000, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12,60,000। तो आपके पास लॉन्ग टर्म डेट आ गए 9,60,000। तो चलिए आगे हम जो दोनों ही आइटम हमने जो कैलकुलेट किए हैं अपने मेन फॉर्मूले में पुट करते हैं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो में। तो टोटल एसेट्स है हमारे पास 24 लाख, डिवाइडेड बाय कर दीजिए डेट है हमारे पास 9,60,000। तो ये रेशियो निकल के आगे 2.5। तो डेट जो हमारे टोटल एसेट टू डेट रेशियो बन गई 2.5:1। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।